नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दम घुटने के बारे में, यानी कि सफोकेशन के बारे में। दोस्तों, दम घुटना एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि मरीज सांस नहीं ले पाता है और यह अक्सर हवा की कमी के कारण या फिर श्वसन मार्गों में या गले में कुछ फंस जाने के कारण होता है। यह एक इमरजेंसी स्थिति होती है जिसमें दिमाग जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है और यहाँ तक कि मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। दम घुटने के मुख्य कारण गले में कुछ अटक जाना, ब्रोंकाइल अस्थमा और हवा में ऑक्सीजन की कमी वगैरह होता है। जिन लोगों को दम घुटने की समस्या है उनमें अक्सर परेशान रहना, होंठ नीले पड़ना, बोलने में कठिनाई होना, गहरी सांसें लेना और गड़गड़ाहट के लक्षण देखे जा सकते हैं। दम घुटना एक अत्यधिक गंभीर स्थिति है, तुरंत इसके कारण का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है और दम घुटने का मुख्य कारण अक्सर गले में कुछ अटकना होता है और ऐसा तब होता है जब कोई कठोर वस्तु निगलने की कोशिश की जाती है और वह गले में अटक जाती है जिससे कि गले के श्वसन मार्ग बंद हो जाते हैं। दम घुटने की स्थिति का परीक्षण करने के लिए छाती का एक्सरे, अस्थमा के लिए एलर्जी टेस्ट और ब्रोंकोस्कोपी वगैरह जैसे टेस्ट किए जा सकते हैं। दम घुटने का इलाज इस पर निर्भर करता है कि मरीज का किस कारण से दम घुट रहा है। यदि कुछ निगलने जाने के कारण मरीज का दम घुट रहा है तो उसका इलाज करने के लिए गले से उस वस्तु को निकाल कर श्वसन मार्गों को खोलना पड़ता है। गले में से वस्तु को निकालने के लिए खांसी करने की कोशिश करना, पीठ पर थपकी देकर खांसी करवाना या फिर हेमलिश मैन्यूवर प्रक्रिया का इस्तेमाल करना शामिल होता है। अस्थमा को ब्रोंकोडायलेटर इन्हेलर, जो कि एक प्रकार की दवाई होती है जिसे सूंघा जाता है, या फिर एड्रेनालिन के इंजेक्शन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दम घुटना जीवन के लिए घातक स्थिति है क्योंकि ऑक्सीजन के बिना दिमाग जो है वो कुछ ही मिनट तक जीवित रह पाता है। दोस्तों, दम घुटना एक सांस संबंधी गंभीर समस्या है जिसमें व्यक्ति को हवा की कमी और सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और इस स्थिति में शरीर में ऑक्सीजन की गंभीर रूप से कमी हो जाती है। शरीर के अंदरूनी अंगों में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से मरीज की तुरंत या फिर कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसके लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षणों में है बोल ना पाना, कुछ निगलने के लिए जोर लगाना, ठीक से सांस ना ले पाना, गला घुटना या फिर गले में खिंचाव सा महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, सांस लेने के साथ आवाज़ आना या फिर गड़गड़ाहट होना, खांसी के लिए जोर लगाने पर भी खांसी ना कर पाना, बेहोश हो जाना, तेज़ खांसी उठना या फिर भय महसूस होना, साथ ही साथ गला पकड़ना। जब किसी व्यक्ति का दम घुटने लगता है या उनके गले में कुछ फंस जाता है तो वह अपने एक या दोनों हाथों से गला पकड़कर बैठ जाता है और उनकी इस प्रतिक्रिया से आपके आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि उनका दम घुट रहा है। साथ ही साथ शरीर नीला पड़ जाना, तो इस स्थिति को हम साइनोसिस कहते हैं और इसमें त्वचा नीली पड़ने लगती है। इसके संकेत सबसे पहले चेहरे, होठों और नाखूनों पर दिखाई देते हैं। दम घुटने पर यह लक्षण भी दिखाई दे सकता है, लेकिन इससे पहले जो हमने आगे लक्षण बताए वो अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। खासकर शिशुओं में दम घुटने की स्थिति का पता लगाना जरूरी होता है। यदि शिशु को दम घुटने से संबंधित किसी प्रकार की समस्या महसूस हो रही है तो शिशु के व्यवहार और उसके संकेतों पर और भी अधिक ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत या फिर शिशु का ठीक से चिल्ला ना पाना या फिर ठीक से खांसी न कर पाना या फिर दोनों ही समस्याएं एक साथ होना। दोस्तों, बात करें कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो दम घुटना जीवन के लिए घातक स्थिति है और इसीलिए यदि आपको दम घुटने से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि दम घुटने के कारण क्या है, यानी कि दम क्यों घुटता है। दोस्तों, कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जिसमें किसी व्यक्ति का दम घुट सकता है। श्वसन मार्ग संकुचित होना या फिर श्वसन मार्गों में कुछ फंस जाने से या फिर गले में कोई बाहरी वस्तु फंस जाने से दम घुटने लग सकता है। और इसके अलावा किसी ऐसे वातावरण में रहना जहां की हवा में काफ़ी कम मात्रा में ऑक्सीजन हो, वहां पर भी व्यक्ति का दम घुटने लग जाता है। और दम घुटने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइल अस्थमा दम घुटने के सबसे मुख्य कारणों में से एक है। बाहरी वस्तु गले में अटक जाने के कारण दम घुटने की समस्या अक्सर 1 से 3 साल के बच्चों को ही होती है और शिशुओं में यह समस्या लड़कों में लड़कियों से दोगुनी होती है। साथ ही साथ गले के मांस यानी कि टिश्यूज़ में सूजन आना, हानिकारक रसायनों के संपर्क में आना, डूबना जैसे कि पानी में डूबना, किसी दवा को अत्यधिक मात्रा में लेना, सांस द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अंदर जाना जैसे कि कार से निकलने वाला धुआं या फिर सिगरेट का धुआं वगैरह, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा आकर्षण बनाती है जबकि ऑक्सीजन कम बना पाती है, और इस प्रक्रिया में मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन की जगह रोक लेती है जिससे कि शरीर के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है।
गले में कुछ फंसने के कारण श्वसन मार्ग बंद होना, लंबे समय से क्लोरीन गैस के संपर्क में रहना, कोई दौरा पड़ना जिससे कि सांस लेने की प्रक्रिया बंद हो जाए, गला रुकने जैसा महसूस होना, श्वसन तंत्र संबंधी कोई रोग होना, स्लीप एपनिया होना, किसी प्रकार के एक्सीडेंट या फिर गले पर गंभीर चोट लगने के कारण श्वसन नली रुक जाना, किसी ऊंचाई के क्षेत्र पर होना जहां पर वायुमंडल की जगह कम हो और हवा में ऑक्सीजन कम हो, गले में रस्सी वगैरह की गांठ लग जाना, यानी कि जैसे कि फांसी लगना या फांसी लगाना, साथ ही साथ नसों संबंधी कोई विकार जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, या फिर श्वसन तंत्र प्रणाली को प्रभावित करने वाले कुछ रोग जैसे कि लकवा यानी कि पैरालिसिस, रेबीज और टेटनस वगैरह। दोस्तों बात करें कि दम घुटने का खतरा जो है वो कब बढ़ता है, तो ऐसी कुछ स्थितियां हैं जो दम घुटने के जोखिम को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि ठीक से फिट ना होने वाले डेंचर पहनना यानी कि नकली दांतों का सेट पहनना, मोटापा होना, चिंता होना या फिर एक्सीडेंट जैसी कुछ दुर्घटना। अब दोस्तों बात करते हैं कि दम घुटने की रोकथाम आप कैसे कर सकते हो। दोस्तों यदि आपका वजन ज़्यादा है तो अपना वजन कम करें, ऊंचाई के स्थानों पर होने वाली स्थितियों को ध्यान में रखें, यदि आप 5000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली जगह पर है तो कोई मेहनत का काम ना करें, प्रदूषण के संपर्क में आने से बचे, जितना हो सके ऐसे क्षेत्रों में ना जाए जहां की हवा एलर्जिक या फिर जो विषाक्त पदार्थ है उनसे दूषित हो, भोजन करते समय छोटा निवाला लें और उसे अच्छे से चबाने के बाद ही निगलें, शराब पीने से आपकी चबाने और निगलने की क्षमता कम होने लगती है जिससे कि गला घुटने का खतरा बढ़ जाता है, रिलैक्सेशन यानी कि आराम करना और मेडिटेशन तकनीकों का अभ्यास करें, ये तकनीकें गला घुटने जैसी समस्याओं को दूर रखने में मदद करती है, छोटे बच्चों को कठोर भोजन ना दें और ना ही कोई छोटी वस्तु या खिलौना दें जो कि गले में फंस सकती है, कठोर कैंडी, मटर और कठोर मीट वगैरह जैसे भोजन 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देने चाहिए क्योंकि ये उनके गले में अटक सकते हैं। यदि आपको ब्रोंकाइल अस्थमा है तो उसे नियंत्रित करने के लिए इन्हेलर को ठीक से कैसे इस्तेमाल करना है इस बारे में डॉक्टर की मदद लें, यदि आपको अस्थमा अटैक या अस्थमा से संबंधित अन्य कोई इमरजेंसी समस्या है तो हमेशा अपने पास रेस्क्यू इन्हेलर को अपने साथ रखें, और यदि बच्चों के मुंह में भोजन या च्युइंगम है तो उन्हें खेलने ना दें, धूम्रपान छोड़ दें। जब आप तंबाकू मुक्त हो जाते हैं तो आपके हार्ट और फेफड़ों के रोग या कैंसर होने का खतरा कम होने लगता है, और यदि आपको कोई ऐसी मेडिकल समस्या है जो आपके श्वसन तंत्र को कमज़ोर कर सकती है तो जल्द से जल्द उसका इलाज करवा लें। अब दोस्तों बात करते हैं कि दम घुटने की जांच कैसे की जाती है। दोस्तों दम घुटना एक इमरजेंसी स्थिति होती है, यदि किसी व्यक्ति का दम घुट रहा है तो आसपास के लोगों को डॉक्टर के आने की प्रतीक्षा करने की बजाय पीड़ित व्यक्ति की सहायता में लग जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का बार बार दम घुट रहा है तो डॉक्टर ही इसके कारण का पता लगा सकते हैं। दम घुटने की जाँच करने के लिए डॉक्टर आपकी पिछली मेडिकल स्थिति के बारे में पूछेंगे और आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे। परीक्षण के दौरान डॉक्टर स्टेथोस्कोप नाम के उपकरण का इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से सांस से निकलने वाले आवाज़ जो है वो सुनते हैं और उसकी जांच करते हैं। परीक्षण करने के लिए डॉक्टर कुछ और भी टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि एलर्जी टेस्ट। यदि आपके डॉक्टर को यह संदेह होता है कि आपको किसी प्रकार की एलर्जी के कारण दम घुटने की समस्या हो रही है तो वे आपका एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं। एक्सरे की बात करें तो श्वसन मार्गों में सूजन या किसी प्रकार की रुकावट की जाँच करने के लिए छाती और साइनस का एक्सरे किया जाता है। लंग फंक्शन टेस्ट की बात करें तो ब्रोंकाइल अस्थमा का परीक्षण करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं, और बात करें ब्रोंकोस्कोपी की तो श्वसन मार्गों को करीब से देखने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है, और ब्रोंकोस्कोपी की मदद से श्वसन मार्गों में किसी प्रकार की रुकावट या सूजन वगैरह की जांच की जाती है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि दम घुटने का इलाज जो है वो कैसे किया जाता है। दोस्तों दम घुटने का इलाज उसके कारण के आधार पर ही किया जाता है। जैसे कि इमरजेंसी स्थिति है उसको नियंत्रित करने की बात करें तो सबसे पहले तो मरीज को आराम देना, क्योंकि मरीज शरीर की जितनी ऊर्जा का उपयोग करता है उतनी ही उसकी ऑक्सीजन कम होती है जिससे उसका और अधिक दम घुटने लगता है। साथ ही साथ मरीज की सुविधा के अनुसार उसको लिटाना, बैठाना या फिर खड़ा करके रखना। यदि आपका दम घुट रहा है तो अपने सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करें, सांस लेने का सही अभ्यास करें, धीरे धीरे लंबी सांस लें और अपने पेट को फुला लें और फिर वापस धीरे धीरे सांस छोड़कर पेट को पूरी तरह से खाली कर दें। साथ ही साथ कारण का पता लगाने की कोशिश करना, यदि किसी व्यक्ति का दम घुट रहा है तो उसी दौरान यह भी पता लगाने की कोशिश करें कि उसका दम क्यों घुट रहा है। बात करें गले में कुछ फंसने की यानी कि चॉकिंग होना किसी ऑब्जेक्ट का, तो यदि मरीज किसी कठोर चीज़ को निगल गया है जो उसके गले में फंसने के कारण उसका दम घुट रहा है, ऐसा होने पर आपको उसकी पीठ पर अपनी हथेली से तेजी से मारें। पीठ पर मारने से मरीज को खांसी होने लगेगी और अवरोध निकल जाएगा। यदि ऐसा करने से भी मरीज को आराम महसूस ना हो तो हेमलिस मैनोयूअर प्रक्रिया अपनाएं।
जैसे कि मरीज के पीछे खड़े हों और अपने एक पैर को दूसरे पैर से थोड़ा सा आगे कर लें ताकि आपका खड़े होने का संतुलन सही बना रहे। अपनी बाजुओं को मरीज के दोनों तरफ से निकालें, मरीज को हल्का आगे की तरफ झुका लें और यदि मरीज कोई बच्चा है तो उसके लिए आप घुटनों के बल होकर ये प्रक्रिया कर सकते हैं। एक हाथ की मुट्ठी बना लें, मरीज के पीछे खड़े होकर मुट्ठी को मरीज की नाभि पर रखें, मुट्ठी को दूसरे हाथ से पकड़ लें, दूसरे हाथ से मुट्ठी को पकड़कर पेट को मजबूती से दबाने की कोशिश करें जैसे कि आप मरीज को उठाने की कोशिश कर रहे हो, और साथ ही साथ पेट को दबाने की प्रक्रिया कम से कम 6 से 10 बार करें जब तक गले में फंसी वस्तु निकल नहीं जाती है। और बात करें दम घुटने के कारणों को नियंत्रित करने की, जैसे कि ब्रोंकोइल अस्थमा है तो अस्थमा अटैक एक इमरजेंसी स्थिति होती है और इसमें श्वसन मार्ग संकुचित हो जाते हैं और मरीज सांस नहीं ले पाता जिसके कारण मरीज का दम घुटने लगता है। तो इसके इलाज की बात करें तो उसमें है इनहेलर ब्रोंकोडायलेटर्स, ये सांस के द्वारा ली जाने वाली स्प्रे होती है और इन दवाओं में एलब्यूटेरॉल और लेवलब्यूटेरॉल वगैरह शामिल है। बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड की तो ये दवाएं खाने के रूप में और इंट्रावेनस यानी कि नसों के द्वारा रूप में दी जाती है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिजोन और मिथाइल प्रेडनिजोलोन दवाएं शामिल है जो अस्थमा के कारण होने वाली सूजन को कम कर देती है। और साथ ही साथ एनाफाइलेक्सिस की बात करें तो यह एक अत्यधिक गंभीर एलर्जिक रिएक्शन है जिससे कि गले में गंभीर रूप से सूजन आ जाती है और दम घुटने लगता है। तो इसका इलाज करने के लिए बिना देरी किए मरीज की जांघ के बीच में एड्रिनालिन यानी कि एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगाना और इस उपाय से मरीज की जिंदगी को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ एलर्जिक पदार्थों को हटाना और ऑक्सीजन देना। और अब दोस्तों बात करते हैं कि दम घुटने पर क्या क्या समस्याएं हो सकती है। दोस्तों गला घुटने के कारण शरीर की ऑक्सीजन कम होना जिससे कि दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाता है और 4 से 6 मिनट के भीतर मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। जब तक पूरी तरह से बंद श्वसन मार्गों को खोलने के लिए प्रयास नहीं किए जाते तब तक मरीज के जीवित रहने और पूरी तरह से ठीक होने की संभावनाएं तेजी से कम होती रहती है। यदि मरीज जीवित रह भी जाता है तो भी कुछ तरह की जटिलता रह जाती है जैसे कि होश ना रहना, दिमाग में खून का प्रवाह कम होने के कारण ऐसा होता है, साथ ही साथ दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाना यानी कि दिमाग में खून का प्रवाह कम होने के कारण दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे दिमाग क्षतिग्रस्त होने लगता है। साथ ही साथ फेफड़ों का संकुचित होना, तो दोनों में से किसी एक फेफड़ों में हवा का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाने के कारण वह फेफड़ा पूरी तरह से संकुचित हो जाता है। साथ ही साथ निमोनिया भी हो सकता है यानी कि बैक्टीरिया युक्त सूक्ष्म पदार्थ श्वसन तंत्र में रह जाते हैं और फेफड़ों तक चले जाते हैं यानी कि वो निमोनिया कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर लें क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।